जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके लाडले केशव के चैनल पर। तो आज का ब्लॉग है जन्माष्टमी की शॉपिंग पर। तो मैं थोड़े दिन पहले वृंदावन गई थी, तो मैंने अपने लाला के लिए शॉपिंग करी, तो उनका श्रृंगार भी खरीदा और उनकी पोशाक खरीदी है, तो वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने लाला की शॉपिंग। तो ये है लाला के लिए मैंने ये वाली पोशाक खरीदी है। ये भी बहुत सुंदर पोशाक है, क्योंकि ये वाली मैंने लाला के लिए पोशाक खरीदी है। तो लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखी होगी कि मैंने लाला के लिए शॉपिंग करी, तो उसमें मैंने जन्माष्टमी की शॉपिंग करी थी, उसमें उनकी ड्रेस थी। तो एक और मैंने ड्रेस खरीदी, वो भी जन्माष्टमी के लिए। अब ये इनकी लीला है कि इनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, लेकिन मैंने तो पहले से ही तैयारी करी हुई थी इनकी शॉपिंग की कि जन्माष्टमी आएगी तो उसमें क्या पहनाना है। तो अब इन्होंने एक और पोशाक खरीदी है, ये वाली पोशाक है, और इसके साथ है उनका बहुत ही सुंदर मुकुट। देखो, बस ये शॉपिंग कराते रहते हैं और मैं करती रहती हूँ। ऑलरेडी इन्होंने पहले ही शॉपिंग कर रखी थी, फिर भी इनको और चाहिए। देखो, ये इनके साथ का मुकुट है। देखो कितना सुंदर लग रहा है लाला के ऊपर, है ना? बहुत सुंदर लगेगा। ये है, और इसके साथ मैंने इनके हाथ के कंगन खरीदे हैं, वो ये वाले कंगन है। देखो, झारखंड के, ये भी बहुत सुंदर है लाला के लिए। बस, और ये वाले कंगन भी मैंने खरीदे इनके लिए। बस मैं देख, दुकान वाले शॉप वाले ने मेरे को दिखाते रहे और मैं देखती रही और खरीदती रही, मतलब इतने सुंदर लगते यार कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। वो ही है ना, देखो लाला ने तो इतनी शॉपिंग कराई है, बहुत शॉपिंग कराते हैं लाला। दिखाती हूँ, ये देखो क्या खरीदा है ना, इतना कितना बड़ा मुकुट है और कितना सुंदर है। देखो, इसे मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। अब पता नहीं इसमें कौन सा वाला ये पहनेंगे, ये पहनेंगे या ये वाला मुकुट पहनेंगे। और ये वाला मुकुट तो मैंने, वैसे तो मैंने ये वाला मुकुट तो मैंने इस ड्रेस के लिए खरीदा था कि जन्माष्टमी में ये पहनाऊंगी। ये देखो, इस पोशाक के साथ मैं इनको पहनाऊंगी। आपने देखी होगी लास्ट वीडियो में मेरी पोशाक, मैंने कैसे ये वाली पोशाक आपको दिखाई थी। मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको अच्छे से खोल के। ये देखो, ये वाली पोशाक है जो ने मैंने जन्माष्टमी के लिए, मैं लाला के लिए लेकर आई थी। देखो, ये इनका पटका है और ये मुकुट, तो ये मैंने इसके साथ खरीदा था। फिर भी इनों को ये वाला मुकुट और वो वाली येल्लो वाली जो मैंने फर्स्ट वीक दिखाई है पोशाक, फिर भी इनको ये वाली खरीदनी थी। और कंकड़े, तीन जोड़ी कड़े लिए इन्होंने, और उसके साथ देखो और क्या लिया इन्होंने। ये देखो, ये मैं पहले खरीद चुकी थी इनके लिए जन्माष्टमी के लिए, और फिर उसके बाद मेरे पास मुकुट नहीं था, तो फिर मैंने ये वाला लिया था कि मैं चलो ये पहना दूंगी इनको, ये बहुत सुंदर लग रहा था। फिर भी इनको ये वाली पोशाक और ये मुकुट खरीदना था। तो ये इनकी लीला, यही जाने इनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। इन्होंने एक और पोशाक खरीदी, ये देखो ब्लू कलर की, सेम, लेकिन इनको राखी पे ही पहन ली इन्होंने। बहुत जल्दी जल्दी करते कि ये ड्रेस पहननी है, वो ड्रेस पहननी है। और दूसरी बात तो देखो कि मैं इनके लिए हेयर बाल लेकर आई थी इनकी बिग, लेकिन बिग है ना मैंने इनके मुकुट के साथ ही रखी है। मेरे को पता है मैंने एक दिन पहले पूरी तैयारी करी है, लेकिन इन्होंने ऐसे छुपा दी कि इनको पहनना ही नहीं था बिना बिग के। ये बस राखी पे तैयार हुए, वो भी पुराने वाली बिग लगाई थी, नई नई, क्योंकि नई पहनी है ना जन्माष्टमी में, तो नए नए सब कुछ होना चाहिए, तो क्या करे। इस पोशाक के साथ फिर मैं ये लेकर आई थी, ये वाली पगड़ी लेकर आई थी, क्योंकि इससे मैचिंग का मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर मैं इससे कंट्रास्ट के साथ लेकर आई थी, और भी ड्रेस है ना उसके साथ भी मैच हो जाएगा। ये देखो, ये वाली सेम, ये वाली देखो है ना, सुंदर लग रही है ना। ये देखो, लाओ जी लाला जी,
ये वाली रख दो पग, अब ये वाली पहनो, दिखाओ आपके प्यारे भक्तों को, ये देखो है ना बड़ी सुंदर। तो ये इन्होंने इन पोशाक खरीदी है। अब इसके बाद ये तो ड्रेसेस हो गई है, अब इसके बाद दिखाती हूँ इनके हेयर एक्सेसरी। पहले तो ये देखो इन्होंने क्या खरीदा है, ये इनके लिए कंघी है, इनके मुकुट पे लगाने के लिए, ये देखो जैसे ऐसे लगा दो इनके साथ तो बहुत सुंदर लगेगा, ऐसे लगा दिया, या फिर आप हाथ की पग बनाते हो तो उसके साथ अटैच कर दो दोनों, बहुत सुंदर लगेगा। ये हुआ, और ये वाली भी इन्होंने खरीदी, देखो खोल के नहीं दिखा रही मैं, ऐसे दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, और ये बिंदी, ये इनका तिलक, ये इनकी तिलक बिंदी है, ये मैंने पूरे पैकेट ही पैकेट खरीदी है। और देखो जो इन्होंने छुपाए थे नहीं लगाने थे वो देखो, ये देखो इनके हेयर जो मुझे बड़े इजी तरीके से अब मिल गए जब तो मुझे मिले नहीं कि मैं चलो राखी पे इनको पहना दूँ, नहीं जब तो मिले नहीं, अब मिले मुझे। देखो इनके लिए मैं कर्ल्स वाली हेयर लेकर आई हूँ, ये भी मिला को लाला को लगा के दिखा देती हूँ आपको। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, है बाद में पहनना आप, और ठीक है ना, अच्छे से ये देखो लगे ना अच्छे। ये हिंदी हो गई, ये इनके हेयर एक्सेसरी हो गई। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ छोटे लाला की ज्वेलरी, ये देखो ये इनका सेट है, ये दूसरे वाले छोटे लाला का सेट है, ये और ये कानों के कुंडल है, ये देखो ये वाले, ये है, और जब लास्ट टाइम मैंने जो शॉपिंग करी थी ना वो वाली पोशाक तो सारी पहन पून ली है इन्होंने, इनको तो छोटे लालाओं को तो बिल्कुल सबर नहीं हुआ, बस आए और फटाफट पहनना है। इन्होंने तो सारी पोशाक और जो पगड़ियाँ और लाई थी मैं वो तो इन्होंने पहन ली है, बस ये दो नई फ्रेश रखी है इन्होंने, ये वाली नहीं पहनी और एक ब्लैक कलर की नहीं पहनी है, तो मुझे और इनके लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि नए पहनना है ना इनको। छोटे लाला ने नहीं पहनी, सबसे छोटे वाले ने देखो ये वाली पग, और ये मैंने छोटे लालाओं की जो पोशाक खरीदी है एक जैसी, मुझे नहीं तो मैंने दोनों लालाओं के लिए एक जैसे कलर की पोशाक खरीदी है, ये दोनों एक सेम एक कलर जैसे कपड़े पहनते हैं, ये देखो ये है पिंक, पिंक ये पिंक, ये येलो है, और मेरे पास रखी हुई है जैसे मैंने आपको सिंगल में भी दिखा रही हूँ, देखो ये वाली पोशाक है, और ये देखो ये मैंने इनके लिए छोटे छोटे लालाओं के लिए नाइट ड्रेस ली है, ये वाली, ये मैंने पूरा ही पैकेट ले लिया था इनके लिए। चंदन है इनके स्नान के लिए, मैं तो स्नान भी इसी से कराती हूँ और मैं लगा भी देती हूँ, ये वाला ही चंदन लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगा ये वाला चंदन, मतलब एक गोपी चंदन ये वाला भी मैंने खरीदा है। अभी देखते हैं कि कौन सी पोशाक और कौन सा मुकुट पहनते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे जन्माष्टमी का ब्लॉग देखना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सा मुकुट और कौन सी पोशाक पहनी है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि लालों को मैं कौन सी पोशाक और कौन सा मुकुट मैं पहनाऊं या पगड़ी पहनाऊं, वैसे तो इनके ऊपर ही है कि ये कौन सा पहनते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरे लाला की जन्माष्टमी की शॉपिंग की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जय श्री राधे राधे, हरि बोल।